यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। बात करेंगे होलिका दहन के ऊपर, होलाष्टक के ऊपर। होलाष्टक क्या है, क्यों लगते हैं, कब तक लगेंगे और होलाष्टक में वो कौन से शुभ कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दोस्तों, 23 फरवरी सन 2018 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं और 1 मार्च सन 2018 तक होलाष्टक लगे रहेंगे। होलाष्टक में 23 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन क्या है, छड़ी स्टिक जो है वो स्थापित की जाती है, 2 स्टिक स्थापित की जाती हैं और ये होलिका दहन वाले दिन 8वें दिन जो है 1 मार्च को होलिका जब जलाई जाती है तो उसमें से एक होलिका जो है वो जल जाती है और दूसरी स्टिक जो प्रह्लाद के स्वरूप में होती है वो बच जाती है। उसकी खुशी में होलिका मनाई जाती है, उसी खुशी में फाग बसंत मनाया जाता है। होलिका के जो ये 8 दिन होते हैं इसके अंदर तंत्र मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्रों का असर कराते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर जलस की वजह से गलत इफेक्ट करते हैं, गलत उपाय कराते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे उपाय बताऊंगा, इन 8 दिनों का आप सदुपयोग कर लीजिए, आपके सारे तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा सब कुछ खत्म हो जाएगी दोस्तों, जड़ से कर लीजिए। बस शानदार उपाय बता रहा हूं, महा उपाय बता रहा हूं, ऐसा उपाय जो सारे तंत्र मंत्र किया क्रिया जो भी कुछ भी किया कराया होगा, गंदी से गंदी नजर हो, टोना टमचर हो, ऊपरी बाधा हो, खत्म हो जाएगी। आप विश्वास करें या ना करें लेकिन बहुत सारे लोगों को ये परेशानियां रहती हैं। आप कहते हैं कि भूत प्रेत किसने देखा, मैं इस पर एक बात करूंगा 2D और 3D और 4D के ऊपर। जो हमारी नॉर्मल आंखें हैं दोस्तों, जो हम देख पा रहे हैं, आप और हम जो जनरली देख पा रहे हैं, ये है 2D। आप एक मूवी देखने जाते हो, आपको एक चश्मा दिया जाता है, एक स्पेक्स दिया जाता है कि वो पहनने के बाद में आप 3D मूवी देख सकते हो। अगर वो ना पहने तो आप 3D मूवी आपको क्लियर दिखाई नहीं देती, धुंधलापन रहेगा, स्क्रीन पे क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जब 3D का आप एक चश्मा लगाते हैं और आपको 3D दिखाई देती है दोस्तों, इसी तरीके से 4D है, 5D है, 6D, 7D, बहुत सारी डी है, कितनी डी है कोई एंड नहीं है। एक ऐसा डी आता है जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों 3D के बाद जब 4D और 5D का लेवल जिनका आ जाता है वो लोग देखते हैं, विचरण करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे और आपके अलावा यहाँ पर तीसरा और कौन है। ये चीजें दुनिया में सत्य हैं, होती हैं चीजें, सब है, जिसका भगवान ने नाम बना दिया, जो चीजें इस संसार के अंदर जिसका नाम है इसका मतलब उसका वजूद जरूर है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आज होलिका दहन के ऊपर। 23 फरवरी चंद्रमा वृक्ष राशि का होलास्टिक प्रारंभ हो रहे हैं और आज अन्नपूर्णा तिथि भी है, अन्नपूर्णा अष्टमी है और सीताष्टमी भी है। 23 तारीख के बाद में 24 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग भी आ रहा है और 26 तारीख को आमल की एकादशी व्रत भी मनाया जाता है। दोस्तों उपाय क्या है, 23 तारीख से लेकर के 1 मार्च के बीच में जो भी मंगलवार या शनिवार आए, 2 बार आएंगे, एक मंगल आ जाएंगे, एक शनिवार भी आ जाएंगे, ये दोनों दिनों में आपने एक उपाय करना है। एक खाली मिठाई के डिब्बे के अंदर एक पापड़ रख के, पापड़ के ऊपर आपने एक चौमुखा आटे का दीपक रखना है, सरसों के तेल से जलाना है, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से जलाना है आपने, थोड़ा दही डालना है उसमें, 1-1 चम्मच करके 7 चम्मच दही डाल दीजिएगा और बाएं हाथ से 7 चुटकी सिंदूर डालना है आपने। जब सिंदूर डालेंगे तो यह प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कोई तंत्र बाधा है, किया कराया है, कोई ऊपरी बाधा है, मेरे या मेरे परिवार पर कोई कष्ट है, वो प्रार्थना करते हुए 7 चुटकी सिंदूर आपने डिब्बे के अंदर डाल देना है। खाली मिठाई का डिब्बा, एक पापड़, पापड़ के ऊपर चौमुखा आटे का दीपक और दीपक जलाने के साथ में सिंदूर, हो सके तो आप मिठाई का एक टुकड़ा भी साथ रख दीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का साथ रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, आपके घर में कोई दूसरा सदस्य है, भाई है, बेटा है, बहन है या कोई भी आपका ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति, कोई भी घर का इंसान है, वो उस डिब्बे को आपके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाए,
सात बार घुमाने के बाद आपके हाथ में दे दे डिब्बा, आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। अब आप घर से बाहर जाएं और कोई पेड़ की जड़ के अंदर रख दीजिए उसे। जैसे ही आप रख के आएंगे दोस्तों, आने के पश्चात हाथ धो लीजिएगा, मुंह धो लीजिएगा, पैर धो लीजिएगा, मान के चलिए बस सारी समस्या खत्म हो गई आपकी। जितना मर्जी बड़ा तंत्र हो कर लीजिएगा, आप याद करोगे नारायण जी के उपाय को। इतना जबरदस्त उपाय है नारायण जी, आपसे बोल रहा हूं, आपके ऊपर नजर लगी हुई है तो कर लीजिए ये उपाय। किसी प्रकार का वहम है, बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आती, स्ट्रेस ज्यादा है, ये उपाय कर लीजिए, होलास्टिक का फायदा लीजिए। और मंगल शनि को समय ना भी मिले तो 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में कभी भी सायंकाल के समय में या प्रातःकाल के समय में आप कर लीजिए, उपाय कीजिएगा, रिजल्ट बड़ा शानदार मिलेगा। थोड़े उड़द की दाल भी अगर रख दो तो बहुत मजा आ जाएगा, उड़द की दाल अगर साथ में डाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे बताया वैसे कर लीजिए, करिएगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, रिजल्ट शानदार है। दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य शक्तिशाली उपाय है, ऐसा उपाय जो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम आपको। पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइएगा, हो सके तो, उपाय शानदार है, कीजिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर किया करें और पूरे प्रोग्राम को, पूरे वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। शानदार उपाय है, पंडित जी को आज्ञा दीजिए दोस्तों। और अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो चंडीगढ़ के अंदर आप नारायण जी से मिल भी सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नारायण जी आप समय नहीं देते, दोस्तों बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, बहुत सारा शेड्यूल टाइट होता है, समय की कमी की वजह से थोड़ा बहुत समय नहीं दे पाते, पर जैसे ही समय लगता है आपके कमेंट का भी जवाब देंगे और आपको समय भी देंगे। नमो नारायण जी दोस्तों, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।